हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। हर थाने में महिलाओं के लिए बनेंगे सीक्रेट रूम। मिशन शक्ति के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया प्रदेश के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ। कहा, पूरी तरह पारदर्शी और बुनियादी सुविधाओं से लैस होंगे ये रूम। पीड़ित महिलाएं महिला पुलिस कर्मियों से बिना संकोच बता सकेंगी आप बीती। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा। कहा, पूरे विश्व में सबसे कम भारत में है मृत्यु दर, लेकिन सर्दियों में लापरवाही हो सकती है घातक, करे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपने गृह जनपद गोरखपुर में हुआ आगमन। बाबा गुरु गोरक्षनाथ के किए दर्शन। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर टेका मत्था, लिया आशीर्वाद। विजयदशमी तक करेंगे प्रवास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने जनपद के 15 नव नियुक्त शिक्षकों को दिया नियुक्ति पत्र। कहा, अपने दायित्वों का पालन करें नव नियुक्त शिक्षक, समाज में बनाए अपना अलग पहचान, जिससे मिल सके उन्हें उचित सम्मान। कैंपेलगंज थाने में डेढ़ वर्ष पूर्व में हुई हत्या के एक मामले का एसएसपी ने किया खुलासा। कहा, क्राइम ब्रांच की विवेचना के बाद हत्यारोपी की गिरफ्तारी हो पाई संभव। विवेचक को 5,000 रुपए के पुरस्कार देने की घोषणा। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी थानों में सीएम के हाथों मॉडल महिला हेल्प डेस्क का ऑनलाइन हुआ लोकार्पण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खोराबार थाने में महिला स्वयं सेवियों और जनप्रतिनिधियों से स्थापित किया संवाद। 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने किया शस्त्र पूजन एवं सात्विक पंचबलि देकर हवन। कोरोना के खात्मे के साथ की लोक मंगल की कामना। कलेक्टर परिसर में स्थापित जिला विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी के नए कार्यालय के लिए जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने कलेक्टर परिसर का किया निरीक्षण। नए कार्यालय को अतिशीघ्र स्थापित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 73 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 3 की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 18,465। एक्टिव मरीज हुए 1,236। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवीन महवा मंडी परिसर में लगाए गए जैविक उत्पाद प्रदर्शनी। कहा, जैविक उत्पादों के सेवन से मजबूत होती है इम्यूनिटी सिस्टम। मिशन शक्ति अभियान के बारे में महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को किया गया जागरूक। सुरक्षा के लिए महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर 1090-181-112-108, पुलिस कंट्रोल नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में दी जानकारी। और नवरात्रि के अवसर पर महानगर के विभिन्न पंडालों में स्थापित हुई माँ दुर्गा की प्रतिमाएं। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत श्रद्धालु कर रहे हैं माँ की आराधना। सुरक्षा के हैं व्यापक प्रबंध।